भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता उस समय आक्रोशित हो गए जब कमलनाथ ने अपने एक बयान में मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहकर संबोधित किया, जिसका विरोध किया और शुक्रवार को कटनी के कोतवाली थाना तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला युवा कार्यकर्ताओं ने जलाया। इस दौरान पुलिस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुतले में लगी आग को पुलिस द्वारा बुझाकर पुतले को छीनने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को छीनने की झड़प हो रही है। इस दौरान कमलनाथ के बयान को लेकर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आज युवा अध्यक्ष के तत्वावधान में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, क्या था? जिस प्रकार कमलनाथ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान किया गया है और मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर जो संबोधित किया गया है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कटनी द्वारा पूरे जिले में कमलनाथ का पुतला दहन आज यहाँ पर किया गया है। और आने वाले समय में भी अगर इसी प्रकार से उनका संबोधन चलता रहा तो हम पूरे जिले में कमलनाथ का विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। आज ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, किस परिप्रेक्ष्य में किया गया? जयगिरी, आप सबको विदित है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में और भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज कमलनाथ जी ने जो अभी दो दिन पहले बयान दिया है, इस प्रदेश को मदिरा प्रदेश करके जो अपमान किया है, पूरी हमारे 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उन्होंने, मैं घोर निंदा करता हूँ। और कमलनाथ जी से मैं बोलता हूँ कि वो जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश कहा है, इस वक्तव्य के लिए वो पूरे प्रदेश की जनता से वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये जो कमलनाथ जी की सोच है, जो नकारा सोच है, वो कोई भी अच्छे काम जो यदि सरकार करने के आती है तो उसका विरोध करना पहला कर्तव्य है। आज मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अहाते बंद कर और जो मोटरसाइकिल में जो युवा है या जो शराब पी के चलते हैं उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होगी, ये जो दो निर्णय किए हैं, पूरी प्रदेश की जनता, प्रदेश के महिलाएं इतना ज़्यादा उत्साहित इस निर्णय से। लेकिन अच्छे काम कोई भी यदि सरकार करती है तो कमलनाथ का विरोध करना उसका पहला कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य तो ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से उसने अपमान किया है प्रदेश की जनता का, मैं कमलनाथ जी से बोलता हूँ कि होश में आओ, यदि होश में नहीं आओ तो जनता आपको पुरजोर मुँह तोड़ जवाब देगी। और मैं कमलनाथ जी से बोलता हूँ कि वो जनता से माफ़ी मांगे। जैसा कि आपकी सरकार को लगभग 18 साल हो गए हैं, इस बीच शराब को बंद क्यों नहीं किया गया? देखिए, शराब बंद करना ना करना ये सरकार का निर्णय है, लेकिन उस पर हम कितना रोक लगा सकते हैं और जनता परेशान ना हो, घर की माताएं बहनें परेशान ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ हम सरकार के माध्यम से करने का लगातार प्रयास करते हैं। उस अच्छी चीज़ों को तो बढ़ावा देना नहीं, लेकिन विरोध करना, मध्य प्रदेश कहना, पूरे प्रदेश के लोगों को अपमानित करना, ये इनकी सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। कटनी से प्रवीण कुमार पार्षद की रिपोर्ट।